नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान न सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को मुंह चढ़ा रहा है, जबकि वियना कन्वेंशन की भी धज्जियां उड़ा रहा है। पहले तो उसने दबाव डालकर जाधव से मनमाफिक बयान दिलवाया और बिना फेयर ट्रायल के मौत की सजा सुनाई, और अब फैसले के खिलाफ अपील रोकने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव फैसले के खिलाफ अपील ही नहीं करना चाहते, इसे उन्हें बचाने के जद्दोजहद में लगे भारत की चुनौतियां बढ़ गई। सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए जाधव के सामने 20 जुलाई तक का वक्त है, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि वो फैसले की समीक्षा ही नहीं चाहते और दया याचिका दायर करना चाहते हैं। भारत ने पाकिस्तान के दावे को खारिज करते हुए जाधव तक बिना शर्त राजनयिक पहुंच की मांग की। वहीं जाधव के बचपन के दोस्त अरविंद सिंह भी चाहते हैं कि इस बार का राजनयिक एक्सेस पिछले बार की तरह दर्द न दे। जिस तरह से पिछली मर्तबा ऐसा हुआ कि जो उन्होंने जिस तरह से बर्ताव किया, बहुत ही घिनौना बर्ताव था, पूरे विश्व ने देखा। ये मैं कहूँगा कि भारत का एक तरह से इंसल्ट था उस समय, माता पिता और वाइफ जो गई थी उनका सबका इंसल्ट था। तो इस बार हमें अनकंडीशनल ही चाहिए, विन इन टोटल प्राइवेसी जो कहते हैं कि और कोई भी वहाँ पर उपस्थित ना हो, ऐसे कंडीशन में हमें एक्सेस चाहिए। क्योंकि क्या है कि इस बार पाकिस्तान ने एक मनगढ़ंत बात दुनिया के सामने रखी है कि भूषण जी ने रिव्यू पटिशन के लिए मना कर दिया। अगर मेरे हिसाब से तो कोई भी व्यक्ति ये अपने बचाव के लिए हर तरह का जो ऑप्शन है मिल रहा है उसको वो टैप करने की कोशिश करेगा। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने दुनिया के सामने एक गलत बात रखी है। तो इस बार हमें अनकंडीशनल एक्सेस चाहिए कि हम सारी बातें जान सकें। जहाँ तक दबाव की बात है तो भारत अपनी पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है, दबाव बनाए रखा है, आईसीजी का भी कहीं ना कहीं दबाव है, लेकिन पाकिस्तान एक तरह से खेल खेलता नज़र आता है। वो चाहता है कि मैं मतलब आईसीजी के गाइडलाइन पे चलूं, लेकिन उसके गाइडलाइन को मानूं नहीं, खुद के ही गाइडलाइन में ये करूं। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक खेल खेल रहा है, और भारत को अगर अनकंडीशनल नहीं मिलता है एक्सेस तो उसको आईसीजी में अपना विरोध दर्शाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान से मांग की है कि जाधव से राजनयिकों की मुलाकात के दौरान उसका कोई भी अधिकारी वहां मौजूद ना रहे। इसके अलावा कमरे में ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की कोई भी सुविधा ना रहे, ताकि जाधव बिना किसी डर के अपनी बात कह सके।